भाई आदरणीय हमारे अंकल जी श्री दीवान जी, दीवान जी 501 रुपए से मान सम्मान कर रहे हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली से स्वागत हो जाएगी। देखो कलाकार, मैं आपसे बताऊं, आपके अपने बच्चे हैं, ये छोटी सी टीम, मैं तो आपके सामने ना कुछ, आप सभी का बच्चा। और ये जो कार्यक्रम आज आपके बीच में चल रहा है, सम्मानित हमारे फूफा जी तिपरजोत से हैं, उनके माध्यम से, और बड़े भाई मोनू जी शायद कहीं दिखाई भी ना दे रहे, व्यवस्था में लगे हुए हैं, इनके सौजन्य से ये कार्यक्रम आज यहाँ पर रखा गया। और ना कुछ कलाकार, कलाकार तो बहुत बड़ी चीज होती है, भाई ने जो परिचय किया, मैं उनकी इस परिचय कराने के लिए धन्यवाद करता हूँ, लेकिन कलाकार तो बहुत बड़ी चीज होती है। हम तो अभी जो अच्छे अच्छे कलाकार हैं उनके चरणों की धूल भी नहीं है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि हम भी उस मुकाम तक पहुंचे कि जो इस क्षेत्र से, इस अमरोहा जिले का, इस गांव का, हमारे इस क्षेत्र का भी कहीं ना कहीं नाम रोशन हो, उसी लक्ष्य को पाने के लिए, हासिल करने के लिए इस कोशिश में। और आइए एक बात कहने का मौका दिया, अभी जो हमारी कलाकार है अनीता चौधरी, उन्होंने एक रसिया सुनाया, ये तो सच्चाई, इन्होंने भी अपने कवि की कल्पना होती है, कभी जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, कभी कभी कल्पना होती है क्या बना दे। लेकिन एक बात मैं आपको सच्ची एक फौजी की घटना पर आधारित मैं सुनाता हूं। हमारे फौजी भाई बड़े भाई सोनू जी यहीं पे मौजूद हैं, बहुत पुरानी समय की बात है, एक फौजी चाप सिंह नाम था उनका, और फौज में भर्ती हो जाते हैं, चाप सिंह नाम था जी उनका, धर्म पत्नी शादी होती है, जो धर्म पत्नी थी उसका नाम था सोमपति, पुराने बुजुर्ग बैठे हैं, उन्होंने किस्सा सुना होगा फौजी चाप सिंह और सोमपति का। हेलो आवाज बढ़ाओ। जैसे ही शादी होकर आती है और शादी के कुछ दिन बाद फौजी ड्यूटी पर चले जाते हैं, अरे भैया, और सजनों काफी समय हो जाता है, छुट्टी नहीं मिलती, और फौजी चाप सिंह फौज में शहीद हो जाते हैं, सीमा पर लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। सुनने की बात है, उसके बाद में आप जैसा चाहेंगे वैसा कार्यक्रम मिलेगा सुनने के लिए, डांस चाहेंगे डांस, रसिया चाहेंगे रसिया, गीत चाहेंगे गीत, भजन चाहेंगे भजन, रागनी चाहेंगे रागनी। लेकिन एक बात आपके बीच में रखूंगा, सुनने की बात होगी, सोमपति को पता नहीं लगता कि तेरे पतिदेव फौज में शहीद हो जाते हैं। जब बहुत समय बीत जाता है तो एक दिन फोटू अपने पति का अपने सामने रख लिया और फोटू से वार्तालाप करती है कि पिया जी ऐसी कौन सी खता होगी, ऐसी कौन सी गलती होगी कि जब से आप गए हैं आपने इधर घर की तरफ झांक कर नहीं देखा, मेरे बारे में नहीं सोचा, मेरी इस जिंदगी के बारे में नहीं सोचा। तो सजनों एक गीत के माध्यम से कभी ने कल्पना की है और क्या लिख दिया, इस गीत के माध्यम से सुनेंगे, आइए किस प्रकार। ओम नमो श्री भगवती, मैं धरता तेरा ध्यान, माता पिता गुरु देवी के तो नित्य रहे चरण में ध्यान, फूल शबनम में डूब जाते हैं, जख्म मरहम में डूब जाते हैं, और जब याद तुम्हारी आती है जाप सिंह, तो हम तेरे गम में डूब जाते हैं। तो सजनों वो सोमपति अपने दिल की आवाज से कहने लगी, क्या और ये सामन भी गया सारा, टोपा झूली घली ना इस डाले में। और सुनने की बात है, दूसरी बात मैं क्या लिख दिया दूसरी लाइन में,
और ये तेरे फोटो कन्या झगड़े जासू पिया जो धर क्या थया सामने बीच सारा कद धूल घलीना दाड़ में पत्नी की इच्छा होती है। क्या इच्छा होती है? जो इच्छा होती है वो मन का दर्द, वो मेरे मन का मैल नहीं मिटा। और पिया जी एक बात के माध्यम से पहली बात में क्या लिख दिया बना आपने जब से ड्यूटी संभाली, जब से यहां से गए, इस गांव को छोड़कर, इस घर को छोड़कर गए, आपने एक भी बार ध्यान ये नहीं करा कि मेरा घर है, परिवार। क्या मेरी भी कुछ इच्छा थी? मेरे भी दिल का कुछ दर्द था और मैं आपसे कहना चाहती हूं। और दूसरी बात में क्या लिख दिया बना जो धर क्या खयाल
दूरी मैं तुझसे पूरी नहीं जा सकती, मैं तुझसे काश भी मैं ना आऊंगी, रहूंगी मैं नजर लौट के सामने फिर भी नजर मेरे मन की मन में रही पिया जी यो न्यारा न्यारा रहा दिला तेरी नौकरी मेरी खतर की बहुत घना अन्या हो गया, मैं गरीब बेचारी दुखी पूंजी बिन यो दूर नगर खरीदा हो गया, मेरी छाती के माधा हो गया, मेरी छाती के माथा हो गया, बड़ी पीप जाड़ के पाड़े में चकड़े जासु जो भर गया तयारे में सावन भी गया सारा जसवंत दत्त को न्या आया निभाने मोहब्बत ना आया, निभाने मोहब्बत ना आया, कमी रह जा भैया, अगर आनंद आया हो बात समझ में आ रही तो एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए।